रहा, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, आप कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते थे। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए कि IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी 2500 बेड का, ये जो IGIMS है हमारा, उसको भी 2500 बेड का कर रहे हैं। और NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिटी वाला, उसको भी 2500 बेड का। और श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वाले का, उसको भी 2500 बेड का। और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया वाले को भी 2500 बेड का करेगा। और आपको बता दिए हैं कि दरभंगा वाले को भी DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को ही 2500 बेड का करेंगे। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी IGIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तब 15 दिन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे, तो हमने कहा भाई देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये IGIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए, तो उसको सुधार करके बोल दिए। और फिर हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना, आज बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा, तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, आप बात में रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे, तो अलग बनाएंगे तो हुआ कि वहां हो। तब हमने तो तय कर दिया कि भाई हम लोग दरभंगा को के हॉस्पिटल को करेंगे 2500 बेड का कर देंगे, आप उसके 2500 बेड का। और उसके बाद आप समझिए कि इसी बार हम जो यात्रा में थे, तो वहां के DM ने मुझको जो जगह दिखलाया, एक इतना बढ़िया जगह, कहा कि यहीं पर करके हम लोग दे देंगे IGIMS के लिए। का बहुत अच्छा, और ये बात हम लोग दे दिए। हाँ, एम्स के लिए तो जो कर दिया है, तो हम लोगों ने भेज दिया कि पूरे तौर पर वहां के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को के लिए हम लोगों ने चुन करके उनको जगह दे दिया। अब आजकल लोग बोल रहे हैं क्या गड़बड़ है भाई, जाइएगा उसको तो खूब ऊंचा कराएंगे और उसके चारों तरफ ऐसा सड़क बनाएंगे, दरभंगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहां पर वो है अभी मेडिकल कॉलेज वाला, वहां पर बनेगा तो दूसरे राज्यों और दूसरे जगहों से आने वालों को जाने में थोड़ा समय लगेगा, और ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी। इसी को देख करके बना दिए, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई, तो जो करिए। हमने तो सारे पत्रकारों से हमसे पूछा था कल, तो हमने कहा कि एक बार हम अनुरोध करेंगे सारे पत्रकारों को कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं, और वहां के DM ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है, और जो काम किया जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए, वहां का भी हो और यहां का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। वैसे तो आप लोगों पर तो प्रतिबंध न है जी, आप सब चीज छाप सकते हैं, ये तो प्रतिबंध ना ऊपर से लगा दिया गया है, सबका बात थोड़ी छाप सकते, एक तरफा छपड़ा। तो इसलिए कल भी हम कह दिए थे, हमसे पूछे, तो आज भी हम बता दिए कि जितना बढ़िया जगह चुने और वहां पर बन जाए बहुत अच्छा है। तो एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो
हर जगह से हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीज को करेंगे और कोई दिक्कत नहीं करेंगे और हर प्रकार से पूरे तौर पर, और आप लोग समझ रहे हैं कि हर तरह से कई कई कामें हो रही हैं। अभी हम लोगों ने राज्य में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, यह है पटना भागन बिघा रहुई नालंदा में, उसका निर्माण कर दिया गया और तैयार हो गया, खूब अच्छा है। अब आप समझिए कि राजकीय दंत चिकित्सा के लिए भी एक कॉलेज वहां पर बना, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो इसी तरह महाविद्यालय सब हो गया। तो हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर सारा काम कर रहे हैं और सभी तरह से लोगों की सुविधा के लिए। क्या कह रहा है? अरे पर मिलेगा ना, अभी तो अभी कहे के लिए बीच में आ रहा है। अब इसी प्रकार से और आधारभूत संरचना का विकास हुआ है, सड़कों पुलों का निर्माण, तो आप सबको तो मालूम है कि कितना सड़क पुल सबका निर्माण, अब पहले से ही जो किया था सबसे दूर का 6 घंटा, अब हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 घंटा में पहुंचे। अब कितना ज्यादा हम लोग बनवा रहे हैं आप देख लीजिए, बाईपास से लेकर के एक एक चीज का सब तरह का निर्माण किया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम है ना कि एक एक काम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। आप पटना में दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण, तो इसकी शुरुआत हम 13 में करवा दिए, एक हिस्सा लास्ट ईयर बन के तैयार हुआ और दूसरा हिस्सा और आगे बढ़ गया, वो कल हम लोग कराए। अब आप लोग सब जानते ही हैं, वहीं पर आप पत्रकार लोग थे, अब कितना बढ़िया बन रहा है। उसको और उधर भी, पूरब भी आगे और पश्चिम भी आगे करवाएंगे, तो इतना बढ़िया होगा। तो हम लोग देख के काम कर ही रहे हैं हर चीज के लिए। और पूरा तौर पर जो जेपी गंगा पथ है उसको पूरब में आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ये बख्तियारपुर से आगे से ताजपुर का पुल जो बन रहा है उसके लिए, और पश्चिम तरफ में आरा और छपरा का पुल जो बना हुआ है वहां तक इसको बढ़ा देंगे, तो कितनी सुविधा होगी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने में और कहीं भी जाने में, कितनी सुविधा होगी। और जानते ही हैं शाम में रात में कितने लोग देखते रहते हैं, जहां पहले बना तब अब दूसरा बना तब। तो इसीलिए सब काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं हर प्रकार से। आप सबको पता हुआ है, आप जानते हैं प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षक में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया।